गुलबर्गा शहर के बड़की बोड़ी कब्रस्तान में बारिश की वजह से गंदा ड्रेन का पानी कब्रस्तान में जमा हो रहा है, जिससे तमाम कब्रों के आसपास गंदगी देखी गई है। बड़की बोड़ी कब्रस्तान में इस तरह गंदा ड्रेन का पानी पहली बार जमा नहीं हुआ है। लगातार हर साल बारिश के महीने में ड्रेन का गंदा बदबूदार पानी कब्रस्तान में जमा होता है। ड्रेनेज का गंदा पानी कब्रस्तान में जमा होता देख अकबर साहेब ने नाराजगी जाहिर कर कहा, लगातार पिछले 4 साल से एमएलए कनीस फातिमा और दीगर कांग्रेस लीडर्स को शिकायत करने के बावजूद अब तक इस मसले को हल नहीं किया गया है। लगातार एमएलए कनीस फातिमा, फराजुल इस्लाम और दीगर कांग्रेस लीडर्स को कॉल करने पर कॉल तक रिसीव नहीं किया गया है। आसपास के तमाम इलाकों से ड्रेनेज की रूट कब्रस्तान की तरफ की गई है, जिससे बारिश के महीने में गंदा बदबूदार पानी कब्रस्तान में जमा होता है। अकबर साहब ने एमएलए कनीस फातिमा से गुजारिश कर कहा, ड्रेनेज का कनेक्शन कब्रस्तान की तरफ से हटाकर रूट चेंज करें। इस तरह गंदगी जमा होने से कब्रों में दफन मैयतों को तकलीफ हो रही है। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute. ये बड़की बोड़ी कब्रस्तान से यहाँ पर पूरा नालियों का पानी आज पिछले 2019 से यहाँ पर पानी पूरा गंदा पानी आज तरफ का इस कब्रस्तान से जा रहा है और खबरों के अंदर आकर पूरा पानी खबरों पूरे अंदर हो गए हैं और वो पूरे खबर अंदर होने के बावजूद भी जाकर हम मैडम गनीस फातिमा से बात करे 2021 में उन्होंने आगे सर्वे करे, करने के बाद एक नाली बनाने लगे उन्होंने नवी, वो नाली नवी नाली बनाए तो उसका पूरा कनेक्शन ये कब्रस्तान के अंदर से छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्शन करके पिछले वो नाली को बंद करे तो उन्होंने परसों जुम्मा के दिन आकर वो पूरा नाली जेसीबी दो इटाची वो कारपोरेशन का पूरा स्टाफ आकर वो पूरा नाली तोड़ कर गए और उसके बाद हम फ़ोन लगा रहे हैं तो ना अहमद भाई उठा रहे फ़ोन, ना वायद अली फातेगानी साहब उठा रहे फ़ोन, ना फराजुल इस्लाम साहब उठा रहे फ़ोन, जिसकी वजह से कारपोरेशन वाले आके वो नाली तोड़े और वो पूरा पानी ये कब्रस्तान में फिर वापस से पूरा भर गया। पिछले 14 तारीख 21 तारीख के दिन पूरा पानी कब्रस्तान में भरने की वजह से अहमद साहब को बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से पूरा कब्रस्तान गंदा हो गया और ये सामने जगदम्बा होटल के उतार के सामने पूरा कब्रस्तान में नाली का पूरा पानी भर जा रहा है और वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसको अपील करें हम, बताइए आप ही। ये पूरे कब्रस्तान वाले अगर जमा हो जाएंगे मैडम के घर को लिख जाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा ये मामला, जिसकी वजह से हम जहाँ का वहाँ जिनको बुला के काम लेंगे बोल के, बुला के समझा के काम लेंगे बोल के हम चाह रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे और आने को भी तैयार नहीं और रेस्पॉन्स दे रहे नहीं। वो कारपोरेशन वाले आके ज़बरदस्ती से दादागिरी करके वो पाटिल साहब और राजन साहब और सिटी कारपोरेशन के इंजीनियर सब आके सुबह 11:30-12 बजे जुम्मा के दिन 21 तारीख को आगे पूरा नाली तोड़े, जिसकी वजह से पूरा गली में कब्रस्तान के अंदर पूरा पानी खुबरा में उतर गया। पिछले 2019 से हम ये शिकायत मैडम को नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से मैडम इसके बारे में रेस्पॉन्स दे रहे नहीं और जिसको रेस्पॉन्स के वास्ते काम के वास्ते भेजे हैं वो काबिल कबूल वो इंसान है आगे काम को अंजाम दे रहे नहीं, जिसकी वजह से अहमद साहब को भी अपील करा मैं, फराजुल इस्लाम साहब को, आदिल सलेमान सेठ को, सबको अपील करा और लिखा कर स्पॉट पे बताया, सब देखकर हम करेंगे 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 बोले, जिसकी वजह से आज पिछले 4 साल हो गया पूरा पानी अंदर भर रहा है और इस मरतबा भी पानी पूरा कब्रस्तान में अंदर आ गया, पूरा बॉडी उत्ता पूरा तल से साफ करा है, साफ करने के बावजूद भी बॉडी के अंदर पूरा गंदा पानी भर गया है। आपको ये फोटो बॉडी की भी डाल रहे हैं हम, कब्रस्तान के अंदर भी पानी कहाँ कहाँ भरे हुआ है उसकी भी फोटो डाल रहे हैं हम, आप लोग देखकर इस बड़की बोड़ी कब्रस्तान में जिसके जिसके खुबरा हैं वो सब तमाम लोग मिल के एक दिन मैडम के पास चलने वाले हैं, आप लोग आइए तमाम लोग। अब तक हम डाले नहीं क्योंकि खयादत मैडम की कुछ तो भी समझा के काम लेंगे, जिसकी वजह से मैडम का नहीं जाके अगर कुछ बोलेंगे तो कोई वहाँ पर बिठा के कोई बात सुनने को तैयार नहीं और कोई बोलने को तैयार नहीं, चलो आएंगे जाएंगे करेंगे यही बोलते रह रहे हैं। पिछले 4 साल से पूरा कब्रस्तान जितना हम मेहनत करके बनाए उसका पूरा कब्रस्तान को पूरा कुप्पा करके रख दिए हैं ये लोग, सिटी कारपोरेशन वाले सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पर आके देखिए नालियों का पानी पूरा कैसा अंदर कब्रस्तान में भर गया है, अब वो जब भी फ़ोन लगा रहे हैं बेंगलुरु में बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ घर पर है तो वहाँ फलान जगह दावत में गए, फलान जगह या ओपनिंग में गए ये बोल रहे हैं, तो ये काम का कैसा करेंगे, ये काम को अंजाम कौन देंगे, ये काम को अंजाम दिए तो हमारे को भी अच्छा हो जाता है कि भाई चलो आगे कम से कम ये जिंदों का नहीं तो नहीं कम से कम मुर्दों का तो ख्याल करो,
ये जिंदे क्या है आजकल बातें, वो ये सब आपको सुना रहे जो भी नहीं सुन रहे, अब मुर्दों के तरफ से हम सुना रहे, हमारी तो सुनो कम से कम, आगे काम को अंजाम दो भाई, आप करिए तो अच्छा है, आपके लिए भी दुआएं रहेंगी, हमारे लिए भी दुआएं रहेंगी। जबकि ये कब्रिस्तान के अंदर पूरा खबरा में पूरा अंदर जमीन में पानी जब्ज होके जा रहा है, पूरा बाहर का गंदा एकदम बुरे मुगा पानी यहाँ लिखा के छोड़ दें, ये जबकि यहाँ पर नाली नहीं थी कब्रिस्तान की, छोटी नाली थी, उसको अहमद साहब, आदिल सुलेमान सेठ, फराज उल इस्लाम साहब उसको बड़ी नाली बने, जिससे रोड पर भी नहीं है उतनी बड़ी नाली, ये कब्रिस्तान से निकाली गई है बड़ी नाली। इसके वास्ते हम लोग अपील कर रहे हैं मैडम गणेश फातिमा से और यहाँ के MLA से, हम ये चाह रहे हैं कि ये पानी का रोड दूसरी तरफ से निकाल दो और ये कब्रिस्तान में कनेक्शन जो दिए हैं वो कैंसिल कर दो, क्योंकि जिसकी वजह से आने वाले टीमों पर रात बिरात मैयत आई, ये गली में पानी भरे जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन है? आजकल कौन आदमी इधर खाली कामों को कोई अंजाम नहीं दे रहे, सौ भाई सौ जगह कामों को अंजाम दे रहे हैं, मगर ये खाली जगह को अंजाम कोई भी नहीं दे रहे। इसके वास्ते आप लोग भी ये काम के हाथ से सोच के आप लोग भी सब जने कदम उठाइए और जिसको जिसको ये सुनने में आने के बाद कनीज फातिमा से कॉन्टेक्ट करिए, जिसके भी यहाँ खबर आए करके बोलिए उनको, अकेले वो ये सब आतों जातों ये चले आए, ये लोगों का आ रहे नहीं, काम कर रहे नहीं। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, हम लोग अपील कर रहे हैं मैडम गणेश फातिमा और फराज उल इस्लाम साहब से, आप अपने हाथ में लेकर ये काम को अंजाम दीजिए, आप अपने छोटे मोटे आदमियों को भेज के काम मत कराइए, क्योंकि वो आदमियाँ सिर्फ आपके सामने सेफ रहना चाह रहे हैं और यहाँ पर आकर हमको अलग थपका के जाना चाह रहे हैं। इसीलिए आपसे अदबन गुजारिश है मैडम कि ये काम को अंजाम दीजिए आप, ये कब्रिस्तान का मामला है, पाक साफ कब्रिस्तान है, यहाँ पर रूहानी के मामले हैं, जिसकी वजह से आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। पिछले आपको एक साल से पीट लगे हुए हैं काम को, इलेक्शन के बाद करेंगे बोले, वो इलेक्शन के बाद उल्टा और नुकसान करके गए यहाँ का। हाँ, इसके आते आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, मैं इससे ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ, आप लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद, गुलबर्गा के भी यहाँ पर जो भी तदफीन हुए हैं कब्रिस्तान में बड़की बड़ी में, वो लोगों से भी अपील है कि वो एक जगह आके जमा होकर जरा कनीज फातिमा को आप लोग भी सुनाइए। This video presented by Al-Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al-Sharay Group of Institute.